वेलकम गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। गाइस मैं जेपी नजरपुर दिल्ली से। गला ख़राब हो गया काफ़ी, आज हमारे ट्रेनिंग का लास्ट डे है, तो हमारे मैकेनिक भाई आएंगे और अब थोड़ा रिव्यू देंगे, मतलब हमारा जो ये 6 दिन का बैच था इनको कितना जो बेसिक्स की ट्रेनिंग से कितना फ़ायदा मिला, मतलब कितने कहाँ तक इनकी नॉलेज अपग्रेड हुई है, तो मैं बारी बारी करके बताऊँगा। आ जाओ भाई जी, 2 मिनट। मेरा नाम मोहम्मद शालम है, मैं मेरठ यूपी से आया हूँ। जैसे सर ने बहुत अच्छी बातें बताई, जहाँ जहाँ बातें मिस्त्री अटक जाते थे कि मतलब इश्यू ख़राब हो गया, मैंने भी ख़राब हुआ है, ऐसा नहीं है, मैं इसी मुझसे भी गलती बहुत सारी हुई, यहाँ पर बहुत सारी गलती जो मतलब हमने सुधारा है, अपनी गलतियों को जानते सब हैं लेकिन मानते नहीं, हमने माना भी है गलती कहाँ कहाँ हमने करी है। मतलब अब जो काम करोगे आप BS6 का अपने वर्कशॉप पे, जी अब आपका माइंड मतलब ये नहीं है ना प्रॉब्लम, तो माइंड में बिल्कुल नहीं अटकने का, बिल्कुल भी सारे रिपोर्ट क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। चलो ठीक है, असल में इश्यू मतलब इश्यू कहाँ से फॉल्ट होता था, मिस्त्री कहाँ कहाँ गलती करते हैं, 100 के 100% गलती करते हैं, 100 के 100% गलती कहाँ होती है, सब बिल्कुल एक्यूरेट हो गया, बिल्कुल। चलो ठीक है भाई, आ जाओ भूपेंद्र भाई। मेरा नाम भूपेंद्र है, मैं हरियाणा से हूँ। मैंने यहाँ पर ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखा है, किस प्रकार ACG स्टार्टर के बारे में, 3-phase coil के बारे में, किस प्रकार 3-phase की coil काम करती है, उसको किस प्रकार चेक किया जाता है, ऑल सेंसरी टेस्टिंग, किस प्रकार सेंसर के वोल्ट चेक किए जाते हैं, उस सभी के बारे में, एक्चुएटर के बारे में, ऑटो हीटर के बारे में, सभी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हुई है। मेरा नाम है इस्माइल हक, मैं वेस्ट बंगाल से रहने वाला हूं और अभी हाल फिलहाल मेरा गुड़गांव में वर्कशॉप है। जब से मैं इस काम में आया हूं वो गुड़गांव में वर्कशॉप है मेरा खुद का। यहाँ विशेष आने के लिए एक काम है, BS6 का टेक्नोलॉजी जो सीखा हमने, एक्यूरेट सीखा, किस तरीके चेक करना, किस तरह क्या करना, मतलब कोई बीमारी आए तो बीमारी में तुरंत पहुंचना है, किस तरीके से पहुंचेंगे उसका तरीका सीखना बिल्कुल एक्यूरेट। जैसे ACC स्टार्टर कैसे काम करता है, 3-phase का coil कैसे काम करता है, इंजेक्टर कहाँ से क्या काम करता है, कहाँ से 12 वोल्ट आता है इंजेक्टर पर, कहाँ से अब उसमें अपना ECG से कैसे उसमें माइनस का करंट आता है, वो सब चेक करने का तरीका हमने यहाँ पर सीखा। और रिले का तो 5 रिले और 4 pinion रिले ये तो सबको पता है रिले काम करता है, लेकिन किस टाइप से और काम करता है वो नॉलेज पूरा नहीं था हमारा यहाँ पे। यहाँ आने के बाद वो सब चीज़ बिल्कुल क्लियर है और काम तो सारे ही कर लेते हैं, लेकिन एक काम करने का जो तरीका है बिल्कुल प्रॉपर तरीका है, यहाँ आने का तरीका पता चल गया बिल्कुल। मैंने काम हमने समझ के करना है, अगर काम समझ के करोगे, उसकी नॉलेज होनी चाहिए जो भी हम वर्किंग कर रहे हैं उसके साथ करोगे, तो हमारे ना तो कोई नुकसान होगा, साथ में हम BS6 टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा वो नहीं है मुश्किल, अगर टूल से हम काम कर रहे हैं तो मतलब क्लियर हो जाती है। ठीक है, और कोई डाउट तो नहीं है हमारे माइंड में? नहीं जी, अब तो फाड़ने का। चल ठीक है जी, आ जाओ जी। महेश शागो अहमदनगर ज़िले का महाराष्ट्र से आया हूँ। मुझे BS6 का ट्रेनिंग बहुत अच्छा लगा और मुझे अभी सब कुछ आने लगा, मैंने मेरे पास OBD नहीं था, OBD लिया, सब कुछ लिया, अभी मैं इसके आगे बहुत अच्छा काम करूँगा। मतलब आप लोगों के जो एक क्वालिटी है ना काम में वो आनी चाहिए। ठीक है, आजा भाई। एनिमल ना लग भी रहा है, एनिमल वो भी दोबारा लग भी रहा है, वो भी आजकल जो नया नया फिल्म निकला है एनिमल। हम वेस्ट बंगाल से, हमारा नाम सुजन। सुजन, BS6 का इतना नॉलेज नहीं था सर पहले से, अभी ऐसा नॉलेज ज़्यादा हो गया अब, हाँ हो जाए, कर सकते हैं, कर सकते हैं, हाँ वहाँ पर मेहनत करनी है, मेहनत करनी है, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो ये नॉलेज आपकी बेकार हो जाएगी। ठीक है, और मैंने पॉइंट लिख लिया आपने, हाँ वहाँ पर जाकर प्रॉपर बाइक पर मेहनत करनी है, हाँ मेहनत करनी है, अभी आगे होगी, हाँ क्लियर, आप सारी चीज़ सर क्लियर BS6 का। चलो ठीक है, आ जाओ जी, चंचल जी आ जाओ। ये हमारे चंचल जी हैं वेस्ट बंगाल से। हम वेस्ट बंगाल मुस्तफाबाद से हैं, हम BS6 का थोड़ा थोड़ा काम करते थे, तो हमको BS6 का बारे में इतना कुछ मालूम नहीं था, तो जब सर के पास आया तो बहुत कुछ सीखा। इधर आने के बाद सेंसर के बारे में, फ्यूल पंप कैसे चेक करते हैं उसके बारे में, 3-phase coil के बारे में, अब तो मुझे मालूम हो गया
अब हम काम कर सकते हैं। सर ने तो पूरा रास्ता दिखा दिया, ऐसे ही इसको काम करना है, ऐसे ही इसको टेस्ट करना है, ऐसे तुम आगे बढ़ो स्टेप बाय, हाँ स्टेप बाय स्टेप अगर हम काम करेंगे तो हो जाएगा। और वो भी दुकान छोड़ के, हाँ ये चीज़ भी बहुत जरूरी है। हमारे तो कई मैकेनिक भाई मेरे पास आया था, जैसे कि कल एक डिमेंट दिखाया था आपको, एक कमेंट आया था मेरे व्हाट्सएप पे, लेकिन मैं वहाँ से यहाँ नहीं आ सकता भाई, ऑनलाइन का कोई जुगाड़ है नहीं प्रॉपर। यहाँ पे हम चेक करेंगे प्रॉपर डायग्राम वगैरह हम बना के फिर बाइक पे जाते हैं, तो प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हैं तो समझ में नहीं आ पाता। हाँ तो प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकल नहीं करते तो कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। खाली थ्योरी पर तो दुनिया पढ़ा रही है, प्रैक्टिकल नहीं करवा रही ना। ठीक है तो क्लियर है कोई? हाँ सर क्लियर है पूरा। मेरे को बुलाओगे वहाँ पे? हाँ सर आपको तो वेस्ट बंगाल में बुलाऊंगा। कोलकाता का मिठाई खिलाई कन्फर्म है ना? हाँ कन्फर्म है सर, ये सबूत ले लिया मैंने वीडियो में। हाँ सर कभी भूल जाओ मेरे को। नहीं 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 सर आपको तो आना ही पड़ेगा। अच्छा मेरे बोलने के बाद बोला ही ना, आना ही पड़ेगा, पहले नहीं बोला आपने ना सर? आप तो हमारा दिल में ही रहेंगे ना। चलो ठीक है ठीक है, ओके जी। वैसे मैंने कई बार ट्रेनिंग ली, दो वाले में ले चुका हूँ, केस्टूल से भी ली है और वैसे भी ली है मैंने ऑनलाइन। अच्छा यूट्यूब पे भी ना बहुत सारी चीज़ें, मगर वो यूट्यूब पे ना आगे की बात पीछे पीछे की बात आ गए, बस दिमाग में कुछ बैठता नहीं, इधर की बात उधर उधर की बात इधर। मगर यह ना ऐसे हम अगर ऐसे शुरू करेंगे तो जेड अपना आप हो जाएगा, ऐसे जेड से शुरू करेंगे वाई है तो हमारे समझ में नहीं आने का आगे पीछे की नहीं। पहले हम थ्योरी समझेंगे, थ्योरी का सर का प्रैक्टिकल का तरीका यही है कि हम बिल्कुल ग्राउंड से लेके सब कब सब कुछ ऐसे शुरू करके जेड करेंगे हम तो सही है, क्योंकि दो बार मैं ट्रेनिंग लूँगा बिल्कुल माइंड में बिल्कुल कुछ नहीं आया, लेकिन यहाँ से बिल्कुल ऐसा हो गया, बिल्कुल जुनून, जीत का जुनून। यहाँ पे हमने किया, हमने स्टेप बाय स्टेप समझे हैं। जय चंचल जी कह रहे थे ए सी जी में रुक जाओ यार, ए सी जी बाद में कर लेंगे, पहले ये करो जो मैंने डाल रखा है। सर मैं ये कहूँगा कि बस जो है ए से शुरू करेंगे तो जेड तक अपना आप शुरू हो जाएगा फिर। अच्छा कि कहाँ से सोनसर मतलब कहाँ के सेंसर, मतलब आज भी सेंसर को सबसे पहले ले, सेंसर नहीं है पहले इसकी थ्योरी समझना है जरूरी। पहले तो ईसीजी के बारे में हमको तो बहुत डर था जी, ईसीजी कैसे काम करता है, ईसीजी स्टेडर कैसे चलता है, उसके बारे में तो हमको बहुत डर था ईसीजी। हाँ जो हम सेल्फ मोटर लगा रहते तो हम समझ जाते थे कटक कटक करते तो सेल्फ का कार्बन खराब है या रिले, उसको जैसे टेस्ट कर लेते तो हमको तो बहुत डर था। सर को तो पहले दिन आने से बोला सर हमको ईसीजी बारे में इसको थोड़ा बता, सर ने हमको 5 मिनट में वो सिखा दिया जिसको कैसे टेस्ट करना है, इसको कैसे चेक करना है, वो सेल्फ से भी बहुत ईजी है ईसीजी स्टार्टर, ये सर ने हमको सिखा दिया। बहुत जल्दी चलो जी।